नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं रमन अमगाई और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। मुंबई में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर छापा। कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा। पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी। तो कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर जिस दिन छापेमारी हुई थी उसी दिन एक और नाम सियासी गलियारों में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो नाम था पुष्पराज जैन, जो इत्र कारोबारी है। और उसके बाद अब पुष्पराज जैन के घर और उनके दफ्तर पर छापेमारी की गई है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर भी छापा पड़ा है। कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले पीयूष जैन के घर छापा पड़ा था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पीयूष जैन से कोई संबंध नहीं है। अब दरअसल इन दो नामों को समझिए, पीयूष जैन और पुष्पराज जैन। अगर पीयूष जैन की बात करें तो वो एक लो प्रोफाइल रहने वाला व्यापारी था, इत्र का कारोबार करता था। दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं, पुष्पराज जैन भी और पीयूष जैन भी। लेकिन अगर पीयूष जैन की बात करें तो वो एक खटारा स्कूटर में घूमता था, एक सेकेंड हैंड कार में घूमता था, यानी बहुत ही लो प्रोफाइल रहता था। और उसके बाद जब पीयूष जैन पर छापा पड़ा और उसके घरों से पैसा निकला, नगद निकला, सोना चांदी निकला, तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ। जैन गली जिसमें दोनों का घर है, तो जो समुदाय के लोग थे उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि आखिर पीयूष जैन के पास इतना पैसा कहां से आया। लेकिन अगर पुष्पराज जैन की बात करें तो उनकी छवि कन्नौज में एक परोपकारी की छवि है, जो कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ सीधी तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं पुष्पराज जैन। और अगर संपत्ति की बात करें तो चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति लगभग 37 करोड़ के करीब दिखाई थी। तो ये पुष्पराज जैन है जो कि सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया है। तो यानी इत्र एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान को बढ़ाने वाला है। पीयूष जैन के इत्र को समाजवादी पार्टी ने नकार दिया था, लेकिन अब अगर इनकम टैक्स की रेट में बहुत सारा नकदी या पैसा पुष्पराज जैन के घर से भी बरामद होता है तो फिर इस खुशबू को शायद अखिलेश यादव नकार ना सके। तो सियासी गलियारों में पुष्पराज जैन का नाम तेजी से बढ़ रहा था, शक के घेरे में पुष्पराज जैन घूम रहे थे। और उसके बाद अब उनके घर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है और इनकम टैक्स ने उनके दफ्तर में भी छापेमारी की है। तो पुष्पराज जैन की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी इत्र उन्होंने लॉन्च किया था, ये वही पुष्पराज जैन है जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन के घर पर छापा मारा गया है, पीयूष जैन, उसके बाद पुष्पराज जैन, अब उनके घर भी छापेमारी की गई, उनके दफ्तर में छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कन्नौज में समाजवादी इत्र कारोबारी के घर पर रेड हुई है, पुष्पराज जैन के घर पर भी इनकम टैक्स ने रेड डाली है। समाजवादी पार्टी के MLC है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, इत्र कारोबार से जुड़े हुए हैं, कन्नौज में जाने जाते हैं। और पीयूष जैन की अगर बात करें तो उनका सीधा संबंध नहीं स्थापित हो रहा था समाजवादी पार्टी से, और इसी को लेकर जो है पूरा हंगामा था, इसी को लेकर पूरी सियासत भी हुई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो पीयूष जैन है उसके संबंध भाजपा नेताओं से रहे हैं, जो उनके छोटे भाई हैं उनको भाजपा नेताओं के साथ देखा गया है। हालांकि पीयूष जैन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे, और उसके बाद ये दूसरा बड़ा छापा है जो कि यहाँ पर पुष्पराज जैन के ऊपर पड़ा है, जो कि समाजवादी पार्टी से सीधा जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी के MLC हैं, और उनके घर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो अब अगर यहाँ से कुछ रिकवरी होती है, कोई बड़ी रिकवरी होती है, तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से इनकम टैक्स को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर जो सरकार है उसे जवाब देना मुश्किल होगा। और की और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले IT की बड़ी कार्रवाई, SP के MLC पुष्पराज जैन के घर IT का छापा, मलिक मियां के घर पर भी DGGI का छापा जारी, कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा।
पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई है। तीन टीमें 50 जगहों पर छापेमारी कर रही है। पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। डीजीजीआई का छापा जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये छापा, आईटी की बड़ी कार्रवाई। पुष्पराज जैन के घर पर भी छापा पड़ा है। दरअसल कुछ वक्त पहले पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा था और उसके बाद अब पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ा है। तो ये बड़ी खबर, कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा। पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर ये छापेमारी की जा रही है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था और उसके बाद जब कुछ वक्त पहले पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई तो उसे समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया, लेकिन बाद में ये साफ हुआ कि पीयूष जैन का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से नहीं है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये बीजेपी के पीयूष जैन है और इस वक्त अब पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ा है जिनका कि सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से। और हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नीरज, ये बड़ी खबर है, पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ा है, सीधा संबंध है समाजवादी पार्टी से, इन्होंने ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, तो अब अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अब वो इनकार नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देखिए एक बहुत बड़ी खबर है ये, कन्नौज से आज फिर दो जगहों पर छापेमारी की है। जो आयकर की विभाग की टीम है, जो जीएसटी की टीम है, इत्र के दोनों व्यवसायी हैं, वो चाहे पुष्पराज जैन हो और चाहे उनके सहयोगी मलिक, ये दोनों ही इत्र के बड़े कारोबारी हैं। और अभी तक जो लिंक डेवलप नहीं हो पा रहा था, अब वो लिंक डेवलप होने वाला है। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि जो पीयूष जैन है वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है, लेकिन अब जो टैग जो रेट पड़ी है उसमें ये बात साफ है कि सपा एमएलसी के घर में सीधे तौर पे छापेमारी हुई है। आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी कि आज इस छापेमारी पर अखिलेश यादव का क्या बयान सामने आता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो रेड है वो लगातार जारी है। 23 दिसंबर से ये रेड शुरू हुई थी जब पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई थी, उसके बाद करोड़ों की नकदी, करोड़ों के सोने, ऐसे तमाम चीजें मिली थी। और आज सपा एमएलसी पुष्पराज जैन, पंपी जैन जिन्हें कहा जाता है, उनके घर पे भी आज छापेमारी हो गई है। लगातार सर्च मलिक जो ऑपरेशन पुष्पराज जैन के बीच क्या संबंध उनके पास से मिली है? मलिक जैन और पुष्पराज के बीच जैन के बीच क्या संबंध है? देखिए मलिक मियां भी इत्र का, जी जी बताइए जी। देखिए दोनों ही इत्र व्यवसायी हैं और इसके साथ ही ये आपसी कारोबार है इन दोनों का। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तमाम इत्र व्यवसायियों के ऊपर इनकम टैक्स की नजर है, क्योंकि जो इत्र होता है उसकी कीमत का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटी सी शीशी में कई लाख रुपए का इत्र हो सकता है और लिहाजा ये लोग अपना टैक्स बचाते हैं, पूरी तरह से आयकर की चोरी करते हैं। और इसका अब एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा खुलासा इस पूरे नेक्सस का हुआ है। तो लिहाजा आयकर विभाग और जीएसटी की टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनकी निगाह में कम से कम 50 से अधिक ऐसे इत्र कारोबारी हैं जो जिनका व्यापार विदेश तक फैला हुआ है। तो फिलहाल अब इत्र कारोबारियों की जो मुश्किलें हैं वो उत्तर प्रदेश में जरूर बढ़ने वाली है। बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है इत्र कारोबारियों की मुश्किल। नीरज, डीजीजीआई का छापा मलिक मियां के घर भी जारी है, उसको लेकर कोई जानकारी आ रही है सामने? देखिए मलिक मियां के घर पे 7 बजे जो टीम थी वो पहुंची थी और तमाम सर्चिंग कर रही, जो कागजात हैं उनको खंगाल रही। इसके साथ ही उनका फोन भी ले लिया गया है, उसकी भी डिटेल निकाली जा रही है। कई कागजात उनके हाथ में लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि जो चोरी हुई है इनकम टैक्स की वो कितनी है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो रेड है वो और भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। थोड़ी थोड़ी देर में जो खबरें हमारे पास आएगी हम लगातार उसे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो रेड है अभी वो जारी है और 7 बजे से लेकर अभी तक, यानी कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए हैं और रेड लगातार अभी जारी है। अनिल जी, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर पुष्पराज जैन के घर से चीजें रिकवर होती हैं, रेड अभी चल रही है, और अगर उसी तरह से चीजें निकलकर सामने आती हैं जिस तरह से पीयूष जैन के घर से निकलकर आई थी, तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स रेड में कुछ भी हाथ न लगे। जी देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की चीजें हाथ लगी हैं, कौन से कागजात हाथ लगे हैं या कितनी बड़ी चीजें, लेकिन इतना निश्चित है कि इनकम टैक्स के पास, जीएसटी के पास कुछ ना कुछ बड़ा इनपुट जरूर होगा
जो ये रेड पड़ी है, बिना इनपुट के इनकम टैक्स या जीएसटी विभाग अपनी रेड नहीं करता। लिहाजा उम्मीद जरूर है कि कुछ ना कुछ जीएसटी और आयकर विभाग के हाथ जरूर कुछ लगेगा आने वाले समय में। नीरज, तकरीबन कितनी टीमें तैनात की गई हैं छापेमारी के लिए और किन जगहों पर, कितनी जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है? जी देखिए, जो छापेमारी की टीम है उसमें बताया जा रहा है 27 और 28 के करीब सदस्य हैं इस पूरे जो टीम बनाई गई है। इसके अलावा 3 से 4 जगहों को स्पॉट किया गया है, वहां पर जो छापेमारी है वो जारी है, वो गोदाम है, वो घर है, या जहां जहां पर इनका जो इनको मिल सकता है, जो कागजात हैं, जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, जो हार्ड डिस्क है, तो इन सभी चीज़ों को रिकवर करके पहले उसका आकलन किया जाएगा, कहाँ कहाँ चोरी हुई है, कब से चोरी हुई है और वो पैसे का लेन देन किसके साथ हो रहा है और इनका व्यापार कहां कहां पर फैला है, तो तमाम जगहों पर फिलहाल रेड की जा रही है और आने वाले वक्त में जो धुंध है इस पर, इस पूरे मामले पर कि क्या क्या बरामद हुआ वो भी साफ होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और इसमें जरूर अखिलेश यादव कुछ ना कुछ बयान जरूर देंगे। नीरज, आप बने रहिए, एक बार फिर दर्शकों को ये पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल आईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी के एमएलसी पुष्कर राज जैन के घर पर छापा मारा है। इसके साथ ही मलिक मियां के घर पर भी डीजीआई का छापा पड़ा है। कन्नौज में पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। पुष्पराज जैन जो कि एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा संबंध है, इत्र समाजवादी इत्र की खुशबू उन्होंने ही फैलाई थी। उसके बाद पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा था, बहुत सारी रिकवरी हुई थी और अब इस वक्त भी पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ रहा है। यानी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उससे पहले ही ये खबर सुबह सामने आई कि एसपी के जो एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनके घर पर छापा पड़ा है। सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च के 8वें हायर एजुकेशन समिट में देश भर के शिक्षाविद शामिल हुए। नोएडा के मारवा स्टूडियो में आयोजित इस समिट में निम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही निम्स ग्रुप को कुल 6 अवार्ड मिले। देखिए रिपोर्ट। The Lifetime Achievement Award 2021 to none other than Professor Balveer S. Tomar, Chancellor, NIMS University, Rajasthan. साल 2021 की विदाई और 2022 का वेलकम, और इन पलों में उन हस्तियों का सम्मान जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई। शिक्षा के जरिए देश का मुस्तकबिल संवारा, देश के युवाओं के सपनों को सच किया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में देश की टॉप एजुकेशन लीडरशिप का जमावड़ा लगा। सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च का 8वां हायर एजुकेशन समिट नोएडा में आयोजित किया गया। नोएडा के मारवाह स्टूडियो में देश भर के शिक्षाविद जुटे। इस मौके पर निम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो है बहुत अच्छे थिंक टैंक्स का ग्रुप है, इसमें कि 70 से ज्यादा वाइस चांसलर चांसलर्स हैं, बहुत अकेडमिशियंस हैं इसके अंदर, और ये देश की एकेडमिक शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, हर तरीके से तरक्की करने के लिए ये रास्ता बताते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये बहुत अच्छा पैनल है, बहुत अच्छा ये ग्रुप है जहाँ की मतलब बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं इससे, और इनसे हमको नई नई बातें पता पड़ती हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। निम्स ने काफ़ी प्रोग्रेस की है और निम्स एक बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ के साथ के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया है। उसे निम्स यूनिवर्सिटी को कई विभिन्न कॉलेजों को अवार्ड किया गया है, निम्स यूनिवर्सिटी को अवार्ड दिया गया है, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने को तो मैंने पढ़ा दिया, मैंने अपने नोट में कहा भी था कि ऑनलाइन पढ़ाई से पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन बच्चे का एक जो है मल्टी डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि हमको कुछ ऐसा टेक्निकली करना पड़ेगा कि बच्चे वर्चुअली उसको देखें, प्रैक्टिकल करें, जो कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन से हम लोग नहीं करा पा रहे हैं इतना। इसलिए एक मिक्सअप तरह करना पड़ेगा कि क्योंकि कोरोना, ऐसे मैंने बताया अभी ये साल दो खिंचेगा, हल्का फुल्का खिंचता रहेगा, तो हमको कुछ नई चीज़ें हैं, वर्चुअल चीज़ें पता करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के बाद उनका एक जो है ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एजुकेशन समिट में निम्स ग्रुप का जलवा देखने को मिला। ग्रुप को कुल 6 अवार्ड मिले। इनमें बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया 2021, बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया इंडस्ट्री इंटरफेस 2021,
बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया फॉर प्लेसमेंट अवार्ड, 2021 का बेस्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज इन राजस्थान अवार्ड भी निम्स को ही मिला। बेस्ट इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर प्लेसमेंट 2021 का अवार्ड भी निम्स को मिला। निम्स ग्रुप के लोगों के चेहरे तब खिल उठे जब चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया। इस मौके पर निम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सचिन बत्रा, डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर शगुन मनाथन, अखिल गोयल, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर के अग्रवाल ने अवार्ड विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने हायर एजुकेशन में बदलती जरूरतों के लिहाज से नए प्रयोगों की सराहना की। सीजीआर जैसे शिक्षा के स्टेक होल्डर के सामने कुछ नए टारगेट रखे। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव सदा से ही आता रहा है। कोविड से पहले भी हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ गया था, जिसकी वजह से बदलाव आने शुरू हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया तो कोविड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जो बाकी छोटे छोटे बदलाव थे वो बीच में रह गए। कोविड की वजह से बहुत बड़े बदलाव आ गए। उसके बाद भारत में पर्टिकुलरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कोविड के पीरियड के बीच में ही आ गई, वो भी बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में है। लेकिन जैसा कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम नेगेटिव को ज़्यादा याद रखते हैं पॉजिटिव के बजाय। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी इम्पैक्ट कहीं कोविड में थोड़ा दब गया, तो अब हम सब लोग सोचते हैं कोविड की वजह से सब कुछ हुआ। कोविड की वजह से सब कुछ नहीं हुआ। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, हमारे हिसाब से ये पहले भी होना चाहिए था। वो ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, और इस समय सारे टीचर्स ने कोऑपरेट किया, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, ऑनलाइन असेसमेंट हुआ। कुछ कमियां भी रहीं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे टीचर्स को कभी एक दिन का समय भी नहीं मिला कि उसकी तैयारी ठीक से कर सकें। 8वें हायर एजुकेशन समिट में शिक्षा से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा की गई। सीईजीआर के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवाहा ने कोरोना काल को एजुकेशन सेक्टर के लिए नई चुनौतियों वाला वक्त बताया। बच्चों की जरूरतों के लिहाज से ऑनलाइन क्लासेस में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर भी खुलकर बात हुई। 34 साल के बाद भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और एक बहुत बड़ी समस्या ये उभर के ऊपर आई है कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज पहले तो उसे समझ नहीं सके, और जो समझ सके वो उसकी निंदा करते रहे, और बहुत सारों ने अब तक उस पूरी पॉलिसी को अडेप्ट करने की भी कोशिश नहीं की है। सीजीआर का पहला सबसे बड़ा काम इस साल यही रहेगा कि अगर हमें हद तक भी जाना पड़े, एक एक इंडिविजुअल तक भी जाना पड़े, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया जाए, उसे समझाया जाए। एजुकेशन समिट में निम्स यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर दीक्षा शर्मा भी मौजूद रही। दीक्षा शर्मा न्यूज इंडिया चैनल की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। जाहिर है कोरोना काल में जिस तरह से एजुकेशनल संस्थाओं ने आगे बढ़कर छात्रों को राह दिखाई, वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।